दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसके बारे में हम सारी जानकारी लेंगे। इसी प्रकार हम सीखेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। ये हमारे बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं दोनों, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम सारी बातें बताएंगे। इसमें देखो क्या क्या है, इसमें ये तो हमारा डायग्राम, इसका पाँच नंबर का जो पर्सन आता है इसका डायग्राम होगा। यहाँ पर ग्राफ खींचा जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है तो हमने क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करी है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या क्या रिजल्ट मिले हैं वो सारे लिखे हैं, और इसका हमने पांच रिजल्ट लिख रखे हैं। ये है पूरा इसका थीम। अब स्टार्टिंग करते हैं। अभी देखो कि एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है, जो दिखाई नहीं देता है, और जो चीज़ दिखाई नहीं देती है उसके मॉडल्स प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे किसी भी कोई भी एलिमेंट है उसको तोड़ता हुए जाओ, अब और भी छोटा हो जाएगा, और छोटा और छोटा, और आखिर में इतना छोटा हो जाएगा वो दिखाई नहीं देता, उसको हम बोलते हैं एटम। तो एटम के अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल पेश कर रखे हैं। किस मॉडल में कमी आती गई और उसके बाद सुधार होते चले गए। तो ये मॉडल, सबसे पहला मॉडल था जॉन डॉल्टन का, उसके बाद जे जे थॉम्सन, उसके बाद आया था ये हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब आ जाओ काम की बात के ऊपर। उन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी, गोल्ड फॉइल 10^-8 मीटर थिकनेस। फॉइल उसको बोलते हैं जैसे बहुत ही बारीक पतरी सी हो, जैसे हम कोई अचार का डब्बा या कोई दवाई ऐसे खोलते हैं तो उस ढक्कन के नीचे एक पन्नी सी लगी रहती है, बहुत ही बारीक सी, तो वो उसको हम फॉइल बोलते हैं। तो उसने गोल्ड की फॉइल ली थी, उसने एक्सपेरिमेंट काफ़ी के साथ किए थे, गोल्ड के साथ भी, सिल्वर के साथ भी, लेकिन ये हमारा जो मेन जो है वो गोल्ड के साथ ही है। गोल्ड की फॉइल ले ली, उसको यहाँ पे कस दिया दो चीज़ों के अंदर, और ये है अल्फा पार्टिकल सोर्स, यानी कि ऐसे अल्फा पार्टिकल निकल निकल के चलते हैं, जैसे किसी बस स्टैंड पर से बस बन बन के चलती है ना, ऐसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल निकल के चलते हैं सारे। ये इनकी बीम बन जाती हैं, ये लेड ब्रिक्स होती हैं, ये इनको एक फाइन बीम बनाने के लिए काम आती है, बीम आ गई है। उसके बाद ये जो गोल्ड की फॉइल है इसमें से मोस्टली अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ थे वो ग्रेटर देन थीटा पे आए हैं बाहर। ये हमारी ZNS स्क्रीन है, ZNS स्क्रीन का मतलब जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसके ऊपर कोई अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो उसका पता चल जाता है, ठीक है। और ये डिटेक्टर है यानी कि पता लगाने वाला, इसको हम घुमा सकते हैं कितने भी इस हिसाब से। और लगभग 8000 जो अल्फा पार्टिकल थे उनमें से एक जो है वो वापस आ गया, रिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि रिफ्लेक्टेड बैक का मतलब 180 डिग्री पर वापस आ गया। तो डायग्राम मेरे ख्याल थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। उसके बाद यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको आप वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट है भाई कि सबसे पहले तो ये सीखो कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल जो हीलियम हमारा जो एलिमेंट है उसकी न्यूक्लियस को, यानी कि डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम इज नोन एज द अल्फा पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद करते हैं भाई हमारी ये वाले देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई है। मोस्ट ऑफ का मतलब 99.86% वेंट अनडेविएटेड। अनडेविएटेड का मतलब वो किधर भी नहीं मुड़े, वो सीधे ही चले गए, और उनका एंगल कितना था 0 डिग्री, यानी कि देखो ये चले गए सारे के सारे लगभग 99.86%। बाकी कितना बच गया, 0.14%। ये एक डिग्री पर थोड़े से यहाँ से डेविएट हुए, यानी कि इनका रास्ता बदला है सिर्फ 1 डिग्री ऊपर। और लगभग 8000 में एक अल्फा पार्टिकल डेविएट मोर देन 90 डिग्री। उसके बाद आता 1 × 10^6, यानी कि 10 लाख में कोई एक अल्फा पार्टिकल वो डेविएट होगा अबाउट 180 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180, रिटर्न बैक वापस आ गया। ये तो थी ऑब्जर्वेशन सारी की सारी, आपने एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में, अपनी क्लास के स्टार्टिंग में एक छोटे डेमो भी देख लिया होगा। उसके बाद देखो ये ग्राफ है भाई हमारा, 1 × 10^6 डेविएट अबाउट इतना, यानी कि 0 डिग्री कितने हुए, लगभग इतने। तो यानी कि ग्राफ ऐसे दे, ग्राफ इस टाइप से आ रहा है डियर स्टूडेंट देखो, और इसको हम मिलाएंगे तो ऐसे मिल जाता है। ये ग्राफ भी खींच लेना,
इस ग्राफ के अंदर हमने ये दिखाया एंगल्स 0, 20, 40, 60, 80, 100, 180 डिग्री, और ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जैसे 10 हो गए, फिर 10 की 4, 10 की 6, ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड को इस फार्मूले से देंगे, के जेड स्क्वायर, जेड इज़ द एटॉमिक नंबर, साइन की 4 थीटा/2 कितने से आया वो सब रख के उनकी हम संख्या निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ भी अपना तैयार हो गया, समझ में आ गया होगा। देखो कि 10 यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो थे वो 0 डिग्री के आसपास हुए हैं, उसके बाद जो जो नीचे आते गए तो वो एंगल उनका बढ़ता गया, और बिल्कुल ही जब कति लास्ट में ही तो वो 180 डिग्री से भी हैं। तो ये तो हो गया भाई हमारी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आती है रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स, क्या क्या हमने इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स मिले हैं। फर्स्ट देखते हैं भाई, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, एटम का मोस्टली हिस्सा जो है वो कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। क्यों है? क्योंकि 99.86% अल्फा पार्टिकल बिना किसी से टकराए हुए सीधे निकल गए, ये हो गया इसका रीजन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, देर इज़ सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड ए वेरी स्मॉल स्पेस। क्यों? क्योंकि 0.14% जो ऊपर वाले थे वाले अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स बाई मोर देन 1 डिग्री। देखो अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ तो उस एटम के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्जेस, अभी तो कुछ 1 डिग्री से यहाँ थोड़े ऐसे हुए हैं, देखो 1 डिग्री से रिफ्लेक्ट डेविएट हो गया। तीसरा पॉइंट है, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज कंसंट्रेटेड टू ए एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। और यहाँ पे कुछ है ऐसी चीज़ कि टोटल पॉजिटिव चार्ज यहीं पर ही कंसंट्रेटेड है, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इस प्रकार न्यूक्लियस की खोज हुई है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, एक नंबर में भी आता है ये। रीजन क्या था? 1 × 10^6, यानी कि 1,000,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल वो 180 से आया है। इसका मतलब ये कि इसके सेंटर में ही होगा, वो वापस यहाँ से आ गया। साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10^15 meters, और साइज ऑफ एटम होता है 10^-10 meters। नेक्स्ट चौथा रिजल्ट क्या था? देखो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड ऑफ ए पार्टिकुलर एंगल थीटा इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल फॉइल्स। जैसे यहाँ पे हमने गोल्ड ले रखी थी, अगर सिल्वर लेंगे, प्लेटिनम लेंगे, जिंक लेंगे, कुछ भी लेंगे, और तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो उनका एंगल भी अलग अलग होगा। सीधी बात ये थी, क्योंकि देखो डिफरेंट मेटल्स एलिमेंट्स हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इन देयर न्यूक्लियस, क्योंकि सभी का चार्ज नंबर अलग अलग होता है। नेक्स्ट है पांचवा, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव टुवर्ड द न्यूक्लियस। कि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं लेकिन वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और ये जो बात है यानी कि उसको हम इट यूटिलाइजेस, ये हमें लाभ देता है। दिस फोर्स इज एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड रिवॉल्व इन द सर्कुलर मोशन, और वो उनको सर्कुलर मोशन में घुमाता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इसका, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये था भाई इसके रिजल्ट्स, सारी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। इसके साथ ही एक डायग्राम ये भी बना देंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ हुई है, कि कौन कौन से सीधे चले गए वापस चले गए, उसको थोड़ा हमने बड़ा करके दिखाया है। कि ये जो एटम है, एटम ऑफ द फॉइल, और मेजॉरिटी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे सीधे चले गए मेजॉरिटी वाले, और कुछ थे वो, ये भी देखो सेम वही डायग्राम है, और वेरी फ्यू जो थे वो 180 के ऊपर ही वापस आए, क्योंकि उनके सामने क्या थी, देखो न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। इसके साथ में ये डायग्राम और अटैच कर देंगे। इसके अंदर हमारे पास दो आइटम और बचते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इम्पैक्ट पैरामीटर, वो भी एक एक नंबर के दो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, उनको भी देखते हैं।